आप प्रिपेयर कर रहे हैं असम पीसी के लिए और आप चाहते हैं कि आप किसी पेड बैच के साथ ज्वाइन करके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट विकल्प है बेस्ट uh, अल्टरनेटिव है संकल्प बैच, चाहे तो आप आपके मेंस की आंसर राइटिंग हो या फिर करंट अफेयर का प्रॉब्लम हो या असम से रिलेटेड कंटेंट का प्रॉब्लम हो सारे प्रॉब्लम्स सा आपको यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ पे आपको एक डायनेमिक कंटेंट प्रोवाइड कर दी जाती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे और यू कैन यूज द कोड विद लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो हम आते हैं आज के न्यूज पे तो आज का न्यूज ये है तो न्यूज थोड़ा सा पुराना है लेकिन न्यूज भी ये न्यूज में रह रहा है तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है देखिए हमने हम पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि असम की कुछ कम्युनिटी ने डिमांड की है फॉर दी स्टेटस उसमें टी ट्राइब भी है जिसको आदिवासी कहते हैं टी ट्राइब भी है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने जो असम के सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा जी उनसे एक इनको लिखा है और डिमांड की है फॉर द एसटी स्टेटस फॉर द टी ट्राइब कम्युनिटी और इनका कहना है हेमंत सोरेन जी का कहना है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो असम के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है टी तो टी को ग्रो करती है तो असम के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है लेकिन उसे अभी तक अभी तक वो मार्जिनलाइज्ड है तो इसको लेकर के यहाँ पे इन्होंने डिमांड की है असम के सीएम से डिमांड की है कि एसटी स्टेटस प्रोवाइड की जाए टी ट्राइब को क्योंकि टी ट्राइब अभी ओबीसी ओबीसी कैटेगरी में है तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है नेक्स्ट मूव बगरम करते हैं तो इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर रखी है कि दिल्ली में जो टी ट्राइब है ताही शाही मोरान मटक टूटिया एंड जो ट्राइब जो ये कम्युनिटी है ये डिमांड करते हैं फॉर द डिमांड किया फॉर द एसिस एस टी स्टेटस ठीक है स्लोगन था नो एस टी नो रेस्ट नो एस टी नो रेस्ट का ये लोग और इन्होंने एक रेजोल्यूशन दी है इन्होंने एक संकल्प भी दिया है इन्होंने एक अपनी डिमांड भी रखी है यूनियन होम मिनिस्ट्री के सामने आगे देखते हैं कि आ, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है क्योंकि इनका मानना है कि ये जो कम्युनिटी है ये कम्युनिटी एस के जो भी कैटेगरी है उसको फुलफिल करती तो उनके लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो कम्युनिटी है जिन्होंने डिमांड किया फॉर द एस टी स्टेटस ठीक है तो ये हमें याद रखना वन मोर थिंग अगर हम uh, बात करते हैं एस टी टाइप एस टी कम्युनिटी की तो हुन प्रोवाइड तो एक आर्टिकल थ्री फोर्टी टू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट हैज दावर टू प्रोवाइड एनी कम्युनिटी एस टी स्टेटस आफ्टर कंसल्टे विदर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसी कम्युनिटी को एस टी स्टेटस प्रोवाइड की जा सकती है ना इसी आर्टिकल में ये आर्टिकल वन आर्टिकल थ्री फोर्टी टू क्लॉज वन बात करता है क्लॉज टू की अगर हम बात करते हैं थ्री फोर्टी टू क्लॉज टू ये कहता है कि पार्लियामेंट तो मे बाय द लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड फ्रॉम द ट्राइब इनी ट्राइब एनी एनी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में इंक्लूड और एक्सक्लूड कर सकता है पार्लियामेंट इज एंड दिस पावर बिलोंग टू द पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट के पास पावर है ये ठीक है आर्टिकल 342 ये आप याद रखेंगे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक क्योंकि यहाँ पे थ्री फोर्टी टू प्लॉस वन प्रेसिडेंट के पास पावर है और थ्री फोर्टी टू क्लॉस टू ये पार्लियामेंट पावर है, प्रेसिदेंट प्रेसिदेंट पार है कि पार्लियामेंट बाई द लॉ लॉज ये किसी भी कम्युनिटी को एस टी के लिस्ट में इंक्लूड कर सकता है और हटा सकता है ठीक है तो क्या स्टेट के पास अधिकार है स्टी ST स्टेटस देने का नहीं स्टेट के पास ये नहीं है ये बात ध्यान रखेंगे स्टेट सिर्फ डिमांड कर सकता है रेजोल्यूशन दे सकता है फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है पार्लियामेंट के पास है अभी हाल ही में बिहार में एक ऐसा केस हुआ था कि बिहार में बिहार गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी को एसटी ST का स्टेटस दे दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज कर दिया और स्टेटस उस पर्टिकुलर कम्युनिटी उस कम्युनिटी का नाम शायद तत्वा और तत्वा कम्युनिटी था उसको अलग कर दिया गया फिर से उनकी उनकी एस की एस टी छिन गई सॉरी एस सी की बात मैं कर रहा हूँ उसमें भी वहाँ भी एस में भी यही यही है एस में भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है स्टे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है वहाँ भी पार्लियामेंट ही करेगा सेंटर ही डिसाइड करता है तो ये आप ध्यान रखेंगे नौ तो आज के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे आपको पी अपलोड कर दी जाएगी और यदि आप तैयारी कर रहे हैं असम एक लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टेट पीसीस प्री प्लस प्रिप्लेसमेंट लाइफ फाउंडेशन संकल्प बैच यू कैन यूज द कोड विद्या लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट और ये कोड अगर यूज करेंगे तो आपको जो प्राइस दी गई है इससे भी कम प्राइस आपको में मिल जाएगी है ठीक है एडमिशन इसमें यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ट्वेंटी अक्टूबर तक आप इसे इनरोल कर सकते हैं थैंक यू सो